तू बस ये सोच कि असावरी का करियर बन जाएगा। आग और तेल को एक साथ रखना ही नहीं मुझे। किसी के पास इतना समय नहीं है ये सब सोचने का। वो लोग आकर तेरे घर का राशन भर रहे हैं क्या, या तेरे लिए कुछ कर रहे हैं? जी जॉब है, वो पैसे घर में आएंगे, भारत का भविष्य संभल जाएगा। सो अलग क्या नजारा है हाँ? एक सेल्फी तो बनती। पुष्पा असावरी और उसके बच्चे के अच्छी जिंदगी के लिए उसे स्कूल में टीचर की जॉब दिलवा रही थी, लेकिन असावरी की सास पुष्पा को साफ साफ बोल देती है कि असावरी काम नहीं करेगी स्कूल में। पुष्पा असावरी की सास को बहुत समझाती है, असावरी की अच्छी जिंदगी के बारे में भी बताती है, मगर पुष्पा की लाख कोशिश के बाद भी असावरी की सास नहीं मानती है। चिराग और अश्विन जैसे ही घर में आते हैं तो देखते हैं कि राशि के सर की मालिश प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना के सर की मालिश दीप्ति कर रही थी। दोनों भाई ऐसा नजारा देखकर खुश हो जाते हैं, फिर सभी मिलकर सेल्फी लेते हैं, जिसके बाद चिराग और अश्विन भी मिलकर मालिश की लाइन में लग जाते हैं। फिर होती है घर में पुष्पा की एंट्री। पुष्पा अपने सभी बच्चों को एक साथ खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दुआ करती है कि इसी तरह से उसके बच्चे हमेशा खुश रहे और एक साथ रहे। पुष्पा जिस उम्मीद से असावरी के घर पर गई थी वो उम्मीद पुष्पा की टूट गई। मदद असावरी की करने गई थी लेकिन असावरी की सास ने मदद नहीं ली। असावरी की सास असावरी को सरन से दूर रखना चाहती है। असावरी की सास को लगता है कि सरन और असावरी को जब लोग एक साथ देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे, जैसा वो नहीं चाहती है।